देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा, चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत, एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा और बीजेपी का दावा कि वो सरकार बीजेपी की होगी, एनडीए की होगी और प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। आज घोषणा पत्र में हमारे साथ होंगे जिनको नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी, यहां तक कि राइट हैंड मैन माना जाता है, अमित शाह। अमित शाह बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद और यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी। पर्दे के पीछे काम करने वाले अमित शाह न ज्यादा बोलते हैं न ज्यादा दिखते हैं, दिखता है तो बस इनका काम। उम्र 49 साल, पिता गुजरात के बड़े बिजनेसमैन, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई, करियर की शुरुआत में स्टॉक ब्रोकर रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, सरखेज से 3 बार विधायक चुने गए, 2003 से 2010 तक मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे, 2013 में बीजेपी के महासचिव बने, यूपी चुनाव का जिम्मा सौंपा गया। मोदी की कैबिनेट में आते ही अमित शाह ने कम समय में ही मोदी का भरोसा पा लिया और उनके बेहद करीबी बन गए। लेकिन अमित शाह कई विवादों से भी घिरे हैं। अमित शाह सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में आरोपी हैं, फर्जी एनकाउंटर केस में जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल अमित शाह जमानत पर बाहर हैं। अमित शाह महिला जासूसी कांड में भी घिरे हैं। आरोप है कि किसी साहब के कहने पर अमित शाह ने महिला की जासूसी करवाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमित शाह खेल की दुनिया से भी जुड़े रहे हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से लेकर शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिलहाल अमित शाह पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूपी में बीजेपी को फतह दिलाना और वाराणसी में मोदी को जीत दिलाना है। अमित शाह जी हमारे बीच मौजूद है, मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और हमें बताएं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाए देश। आने वाला 2014 का चुनाव इस देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव। दो प्रकार की बातें इस देश का भविष्य तय करेगी। एक तो कौन से गठबंधन के हाथ में इस देश का शासन रहता है, एक, और दूसरा कौन से व्यक्ति के हाथ में इस देश का शासन जाता है वो। जहां तक पार्टियों का सवाल है, ये चुनाव 10 साल के यूपीए के शासन के बाद होने जा रहा है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में 10 साल तक ये दोनों सरकारों का कुल मिलाजुला कार्यकाल हर मोर्चे पे विफल रहा है, चाहे वो औद्योगिक विकास का मोर्चा हो, महंगाई की बात हो, नारी की सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, या भ्रष्टाचार को निर्मूल करने की बात हो। हर मोर्चे पे ये यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने विफलता पाई है। और दूसरी ओर अटल जी अडवाणी जी की एनडीए सरकार का कार्यकाल अब लोगों के सामने है। एक जमाना था जब जनसंघ के और बीजेपी के लोग अच्छे शासन की बात करते थे, सुशासन की बात करते थे, परफॉर्मेंस की बात करते थे। उस वक्त परफॉर्मेंस के बारे में हमारे पास कोई ठोस बात कहने के लिए नहीं थी, मगर अब एनडीए का 6 साल का शासन और राज्यों में हमारी चली हुई सरकार, ये दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार देने में सक्षम है। क्योंकि एनडीए और यूपीए की दोनों के समय की तुलना हर बात में करते हैं तो एनडीए को निश्चित रूप से ज्यादा मार्क मिलते हैं और यूपीए की राज्य सरकारें
और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों की तुलना करते हैं तो भी सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मार्क मिलते हैं। वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही वहां विकास को विकास की कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और इसका एक्नोलेजमेंट भी हर जगह पे हुआ है। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से यहां बैठे हुए ऑडियंस को और देश भर को जो देख रहे हैं उन सभी को एक अपील करना चाहता हूं कि हर मोर्चे पर विफल रही ये यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार के एनडीए के परफॉर्मेंस के बीच में तुलना कर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, एनडीए को जिताएं, क्योंकि दोनों दलों का, दोनों संगठनों का नेता भी तय। एक और एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी तय कर लिया है। अगर एनडीए को बहुमत मिलता है और देश में एनडीए की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। और भले ही कांग्रेस ने घोषणा न करी हो मगर अगर यूपीए को बहुमत मिलता है तो राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। और ये दो व्यक्तित्व के बारे में भी तुलना अगर करते हैं तो तुलना हो न पाए इतना बड़ा अंतर दोनों व्यक्तित्वों में है। एक और एक निश्चित जगह पे जन्म लेने के कारण ही ये जगह पे पहुंच पाना। और दूसरी और जहां तक नरेंद्र भाई का सवाल है, इस देश की मिट्टी से खड़े होकर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते 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 40 साल का पब्लिक लाइफ, 40 साल का एक जीवन, बेदाग जीवन और 12 साल का मुख्यमंत्री काल का एक सफल कालखंड, एक भी करप्शन का दाग नहीं और पब्लिक लाइफ के सभी नॉर्म्स को अच्छी तरह से परफॉर्म करते करते एक अदने घर में, मतलब एक बहुत गरीब घर से एक व्यक्ति बढ़ते 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 प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने का प्रयास कर एक सफल भूतकाल के साथ, सफल पास्ट के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत है। मैं मानता हूं कि ये दोनों की तुलना में देश की जनता निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को पसंद करेगी। और देश में जो माहौल दिखता है, एक समय था जब देश में चहुआ और फ्रस्ट्रेशन था, युवा रोड पर था, लाखों की भीड़ दिल्ली की सड़कों पर दिखती थी, अन्य जगहों पर सड़कों पर दिखती। अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने की पद के प्रत्याशी की घोषणा होते ही वो भीड़ आज मोदी की सभाओं में दिखाई पड़ती है। देश में जहां जहां भी मोदी जी अपने परिचय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आयोजित सभाओं में गए, लाखों की संख्या में भीड़ उमटी है। और जिस तरह से उनका स्वागत देश भर में हुआ है, चाहे वो दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, या उत्तर हो, या मध्य भारत हो, हर जगह पे जिस तरह का स्वागत हुआ है और सर्वे के आंकड़े भी जो बताते हैं, इसे मैं मानता हूं कि निश्चित है कि कुछ ही दिनों के बाद इस देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हम शाह साहब, आप यहां मंच पे रहें। सबसे पहला सवाल आपकी ताजा जिम्मेदारी को लेकर है, वो है ये। मोदी की लहर का दावा पूरे देश में है, लेकिन खुद मोदी और बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा यूपी पर है। अगर यूपी फतह हो गया तो दिल्ली की गद्दी दूर नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? यूपी के ओपिनियन पोल देख लें तो एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में बीजेपी को 40 सीट, एनडीटीवी हंसा रिसर्च के सर्वे में भी बीजेपी को 40 और सीएनएन आईबीएन सीएसडीएस के सर्वे में बीजेपी को 41 से 49 सीट मिलने का अनुमान है। लेकिन मोदी की लहर के बाद भी बीजेपी यूपी में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बहुत दूर है। 1998 में बीजेपी को यूपी में 57 सीट मिली थी, हालांकि तब उत्तराखंड भी यूपी में ही था। अगर देश भर के ओपिनियन पोल की बात करें, एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में एनडीए को 236 और यूपीए को 92 सीट मिलने का अनुमान है। एनडीटीवी हंसा रिसर्च के पोल में एनडीए को 229 और यूपीए को 129 सीट मिलने का अनुमान है। सीएनएन आईबीएन सीएसडीएस के पोल में एनडीए को 212 से 232 और यूपीए को 119 से 139 सीट मिलने का अनुमान है। यहां पर बीजेपी को अब तक की सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है।
1998 में बीजेपी को 182 सीट मिली थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी अपने दम पर बीजेपी और एनडीए को बहुमत के आंकड़े 270 तक ले जा पाएंगे। तो अमित जी, ये आंकड़ा बहुत अहम है, आपको यूपी में कितनी सीटें मिलेंगी? मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं कि यूपी में कितनी सीट मिलेगी, अभी से कह दूंगा, चुनाव अभी शुरू हो रहा है। मगर सर्वे को आप बाजू में रख दीजिए, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में, हर कंस्टिट्यूएंसी में मेरा जाना हुआ है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक लहर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी के लिए है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जब 58 मिली थी तब भी आप 182 तक ही पहुंचे थे। अब देखिए, 58 मिली थी, उसके बाद में गंगा यमुना में काफी पानी बह गया है। 58 मिली तब हमारा कोई परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देश की जनता के सामने नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एजेंडा बनाकर देश की जनता के सामने है, हमारा परफॉर्मेंस लोगों के सामने है, हमारा नेतृत्व लोगों के सामने है और मैं मानता हूं कि परफॉर्मेंस और नेतृत्व के आधार पर हम इस चुनाव में काफी आगे निकलेंगे। अमित जी, आप कह रहे हैं कि यूपी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आपको वहां भेजा गया कि वहां संगठन को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को फिर में नया उत्साह लाएं और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश करें। हम देखते हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की जो खोज है, एक तरह तलाश, वो जगदम्बिका पाल पर खत्म होती है क्या, या कुछ सीटों का जो शिफ्टिंग हो जाता है बड़े नेताओं को, सेफ सीट की तलाश में ये तलाश तक ही ये सीमित रहता है? और एक तीसरी बात, मुजफ्फरनगर के दंगे में आपके कुछ विधायकों का नाम आता है। देखिए, जहां तक सेफ सीटों का सवाल है, एक भी नेता का सीट का चयन सेफ सीट ढूंढने की कवायद में नहीं हुआ है। एक अभिप्राय पूरी पार्टी का बनता था कि अगर मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में उसका फायदा होगा। इसी के कारण मोदी जी के लिए वाराणसी की सीट चुनी गई और जब वाराणसी मोदी जी आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जोशी जी कोई और सीट पर जाएंगे, इसमें सेफ सीट को ढूंढने का सवाल ही नहीं है। अमित जी, मैं अनीता कत्याल हूँ। ये माना जाता है कि जब आपको यूपी का चार्ज दिया गया था तो सब ये मानते थे कि आपको इसलिए दिया गया कि आप वहाँ कम्युनल पोलराइजेशन कर पाएंगे और उसी वजह से आप जीतेंगे वहाँ। बीजेपी जब तक हिंदू मुस्लिम का डिवाइड नहीं कर पाती तब तक उनका वो बढ़ नहीं सकती है। और कहा जाता है, जितनी रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, कि वही हुआ ग्राउंड लेवल पर, वही हुआ है। इसी वजह से आपके सर्वेस दिखा रहे हैं कि आप इतना बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के किसी भी कार्यक्रम के भाषण में अगर हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात आती है तो आप हम पर दोष लगा सकती है, बेशक लगाइए और उसका जवाब भी देने के लिए हमें देना चाहिए। मगर अभी भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात एक पक्ष अगर करता है तो ऑटोमेटिक डिवाइड का वातावरण बनता है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने इस तरह की बात नहीं करी। हालांकि सत्य तो यह है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड वहां प्रशासन के कारण हो रहा है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक तरफा शासन चला रही है इसके कारण नेचुरल कोर्स में हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने वहां डिवाइड की बात नहीं करी। आपकी रैली में जो आरोपी विधायक थे उनका जो सम्मान हुआ उससे भी तो संदेश जाता है। देखिए, मैं कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुका हूं, फिर भी आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो विधायकों पे आरोप लगा था, जिस दिन पुलिस ने उनको अरेस्ट किया उसके दूसरे दिन कोर्ट ने जमानत दे दी और जमानत में लिखा है कि कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है। एक दूसरी बात, जैसे ही जमानत हुई उन पर गुंडाधारा लगा दिया गया। गुंडाधारा लगाने के बाद वो कुछ समय के लिए जेल में रहे क्योंकि गुंडाधारा में एनएसए में बेल का प्रोविजन नहीं है। एनएसए की कोर्ट में जब उन्होंने एप्लीकेशन डाला कि एनएसए हम पर गलत लगाया गया है, उसकी सुनवाई होने के बाद वो कोर्ट ने भी कहा कि एनएसए लगाने के कोई प्रमाण मौजूद न होने के कारण इन पर से एनएसए उठाया जाता है। तो सरकार ने जिस तरह से इनकी प्रताड़ना करी है इसके लिए उनका सम्मान हुआ है, कोई दंगों में आरोप के कारण नहीं हुआ है। और मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप इतने सवाल भारतीय जनता पार्टी को तो पूछ लेते हैं,
मगर आप समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं पूछते कि भाई एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की एक्सरसाइज क्यों सरकार करती है? वहां आपको सेक्युलरिज्म पर सवाल नहीं दिखता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के आप हर चीज में सेक्युलरिज्म पर सवाल दिखता है। भाई साहब, आपके चश्मे का कलर बदल गया है, इसीलिए आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। अमित जी, सवाल हमने उनसे भी पूछा था, अखिलेश जी हमारे साथ है, लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर आप कह रहे हैं जैसे आरोप उन पे आरोप गलत लगे थे, तो फिर दंगा करवाया किसने था मुजफ्फरनगर का? देखिए, मेरी जो समझ है वो ये है कि एक दुर्घटना के कारण दोनों ओर के वर्ग की भावनाएं आहत हुई थी। अगर उसमें कानून के हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते तो दंगा नहीं होना था, मगर कानून से के हिसाब से एक्शन लेने की जगह मत बैंक को ध्यान में रखकर एक्शन लिए गए, इसके कारण दंगा हुआ है। और केवल समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं। अमित जी, मैं जयंत घोषाल आनंद बाजार पत्रिका से बोल रहा हूं। मेरा सवाल जो है वो दंगा फसाद या ध्रुवीकरण के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी के जैसे विकास जीडीपी के बारे में मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन मीडिया में ये भी एक परसेप्शन है कि एक टू प्रोन स्ट्रेटजी है, जहां अमित जी यूपी में बैठ के हिंदुत्व के जो फिलोसॉफी है उसको प्रीच कर रहे हैं और मोदी जी जीडीपी, एक टू प्रोन स्ट्रेटजी है। क्या यूपी में विकास का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है या हिंदुत्व का मुद्दा आज भी बीजेपी का आइडियोलॉजी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते? इसमें कोई डाइकोटॉमी है आपको लगता है? देखिए जयंत जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आप जिससे जितने सीनियर जर्नलिस्ट ने तह तक जानना चाहिए। मैं कोई कमरे में तो यूपी में घूमता नहीं हूं, पब्लिक में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, मेरी आम सभाएं भी होती है, मीटिंग भी जो होती है वो पब्लिक होती है, उसमें मीडिया अलाउ होता है। एक भी क्लिपिंग आप निकाल कर दे दीजिए जिसमें पोलराइजेशन करने का प्रयत्न भी हुआ है, मगर एक बार अगर किसी को कह ही देना है तो भाई डेमोक्रेसी है, सब लोग कुछ भी बोल सकते हैं। और जहां तक विकास का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये चाह है कि गुजरात की तरह हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचे, गुजरात की जगह हर गांव रोड से जुड़ जाए, गुजरात की जगह हर गांव में अच्छी शालाएं बने और गुजरात की तरह वहां भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये पूरे यूपी की चाह है। इसीलिए उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का स्वागत करता है। अमित जी, मेरा नाम प्रभात शुंगलू है। अभी आपने बड़ी आसानी से कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के लिए वहां का प्रशासन, वहां की सरकार जिम्मेदार थी। 2000 दंगों के लिए आप वहां की सरकार, वहां के प्रशासन को कितना दोषी मानते हैं? देखिए, 2002 के दंगों में अगर गुजरात की सरकार ने कोई प्रॉम्प्ट एक्शन न लिया होता तो वहां की सरकार भी जिम्मेदार होती, मगर एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है। सरफेस पर, सतह पर ऐसी बात करना तो ठीक है, मगर डिटेल में जाइए, कार्यक्रम आप रखिए तो मैं बिल्कुल अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हूं। सबसे ज्यादा दंगे रोकने के लिए अगर कार्यवाही, स्ट्रिक्ट एक्शन जिसको कहते हैं, वो लिए गए हैं तो 2002 के दंगों में लिए गए। माया कोडनानी जी का नाम फिर कैसे आया? माया कोडनानी जी का नाम भी आरोप में है और पहली कोर्ट का फैसला आ चुका है, उन्होंने अपील करी है, मामला सब जुडिस है और वो भी गुजरात की सरकार के रहते हुए भी हुआ है। उनका फैसला अगर निचली कोर्ट का है और वो आगे अपील करेंगी तो जो क्लीन चिट है वो भी तो निचली कोर्ट की है। क्लीन चिट में भले क्लीन चिट निचली कोर्ट की है, मगर एसआईटी का जो रिपोर्ट है पूरा वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, सुप्रीम कोर्ट में उसको देखा है और सुप्रीम कोर्ट जांच को मॉनिटर कर रही थी। मॉनिटर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एसआईटी की जांच से सहमत हैं, एसआईटी कंसर्न कोर्ट में अपना रिपोर्ट दायर करे। उस रिपोर्ट को कानून के अधिकार के तहत किसी ने चैलेंज करा तो वहां भी बहस हुई और बाद में पक्ष एसआईटी के पक्ष में रहा। अमित शाह साहब आदाब, मेरा नाम शीबा असलम फहमी है। मेरा सवाल ये है कि आप दिल्ली का दिल, यूपी का दिल जीतने आए हैं, लेकिन यूपी में जब ये दंगा हुआ उस समय आप लोग वहाँ पर जा करके जो पीड़ित वर्ग था उसकी मिजाज पुष्टि कर सकते थे, उसका हालचाल ले सकते थे, उसके जख्मों पर मरहम लगा सकते थे, वो बीजेपी की तरफ से ये ज़रूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब आप
फिर वही बात कि उत्तर प्रदेश का दिल जीतने आए हैं और शिवसेना जो भैया के नाम पे उत्तर प्रदेश वालों को मार के भगाती है उसके साथ गठजोड़ करते हैं, तो आप कैसे यूपी का दिल जीतेंगे? और तीसरी बात यह है कि सामाजिक न्याय के सवाल पे आज जाति उत्पीड़न आज भी उसी तरह बदस्तूर जारी है, आरक्षण और ओबीसी आरक्षण पर आपका क्या वायदा है इस देश की जनता से? तीन सवाल। जहां तक मुजफ्फरनगर के दंगों का सवाल है, अरुण भी जाना चाहते थे, उनको प्रशासन ने रोक दिया। सुषमा जी जाना चाहती थी, उनको प्रशासन ने रोक दिया। राजनाथ जी का हेलीकॉप्टर वहां लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जाने की परमिशन दे दी गई। मैं तो कहता हूं कि भाई यहीं से राजनीति शुरू होती। सोनिया जी जा सकती हैं, राहुल जी जा सकते हैं, मुलायम सिंह जा सकते हैं, और राजनाथ जी, अरुण जी और सुषमा जी नहीं जा सकती। ये कहां का न्याय है भाई? वहीं से पॉलिटिक्स शुरू होती है और वहीं से डिवाइड शुरू होता है। और जहां तक सवाल है, नहीं नहीं वो हाल पूछने ही तो जा रहे थे, दंगा तो हो चुका था, वो हाल पूछने के लिए ही जा रहे थे। और जहां तक ओबीसी आरक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण का समर्थन करती है और हम मानते हैं कि पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो संवैधानिक व्यवस्था है, कानून इससे सहमत है और ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। वो शिवसेना वाला मुद्दा आज राहुल गांधी ने, जहां तक शिवसेना का सवाल है, हमारा शिवसेना से महाराष्ट्र में गठजोड़ है। गठजोड़ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होता है। गठजोड़ जब होता है तब हर पार्टी के साथ, पार्टी के हर मुद्दे के साथ दूसरी पार्टी सहमत नहीं होती। सुन आप जरा सुन लीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अब कांग्रेस का गठजोड़ मुस्लिम लीग के साथ रहा तो मुस्लिम लीग की सभी बातों के साथ कांग्रेस सहमत होगी क्या? वो हैदराबाद एक सेकंड हैदराबाद की पार्टी जो है इनके साथ हुआ, मजलिस के साथ हुआ, तो हर बात के साथ कांग्रेस सहमत है क्या? एक जब सरकार बनती है तब मिनिमम प्रोग्राम बनता है और मिनिमम एक्शन प्रोग्राम के आधार पर गठजोड़ बनता है और सरकार उसको अमल करती है। तो मुंबई में सबका स्वागत करना चाहिए, ये आपका मत है? मेरी पार्टी ने ये स्पष्ट कहा है कि देश का हर नागरिक हर राज्य में जाने के लिए स्वतंत्र है। अमित जी, मेरा नाम अरुण कुमार त्रिपाठी है, मैं पत्रकार हूँ, उत्तर प्रदेश से संबंधित हूँ। आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास आपका जो है प्रमुख मुद्दा है, हिंदुत्व के अलावा जो है, हिंदुत्व को आपने पीछे रख दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्वांचल विशेषकर जहाँ पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं उसकी एक राजनीतिक अहमियत रही है, लेकिन वो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा क्यों है? क्या उसकी राजनीतिक वजह है या धार्मिक वजह है या राजनीति और धर्म का जो घालमेल हुआ है वो बड़ी वजह है? वहाँ लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं रहा, वही कारण है। अब थोड़े समय के बाद स्थिति वहाँ भी बदल जाएगी। मैं आनंद प्रधान हूँ और मैं पढ़ाता हूँ और बनारस का रहने वाला भी हूँ, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। आपसे एक सवाल ये है कि मूलतः जो आपने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो कराया, प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। अभी आपके वहाँ आपने एक टिकट भी दिया है हुकुम सिंह जी को। हुकुम सिंह जी ने एक बात कही है, अखबारों में बयान आया, उसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ जो रायट अफेक्टेड मुस्लिम्स हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या आप उनकी इस मांग से सहमत हैं? क्या आप ये मानते हैं कि जो मुसलमान जो दंगों के कारण जिनको राहत कैंपों में रहना पड़ रहा है वो कह रहे हैं कि वो इल्लीगल तरीके से वहां रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और करीब 9000 मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करने की मांग वो कर रहे हैं? हुकम सिंह जी ने ऐसा नहीं कहा। हुकम सिंह जी के साथ एक बयान के बाद मेरी स्पष्टता से बात हुई है। दो जगह पे मतदाता सूची में किसी भी नागरिक का नाम नहीं होना चाहिए, वहां डिलीट करके यहां रखने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां डिलीट करने की प्रक्रिया नहीं हुई है, चुनाव आयोग पहले जहां नाम है वहां डिलीट करके यहां उनका अलग मतदान मथक बनाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक नारा याद है हुआ करता था कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये काशी इसीलिए चुना गया? देखिए, काशी चुनने के जो कारण है मैंने पहले ही बताया। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जो भोजपुरी जहां बोली जाती है वो पूरे इलाके को प्रभावित करता है। बिहार और पूर्वांचल की सभी सीटों पे इसका प्रभाव जाएगा और अगर मोदी जी वहां से लड़ते हैं तो वहां की जनता में
विकास की आस भी बनती है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होता है। संविधान में अगर आप देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है, पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर यह सुविधा नहीं मिल सकती है? देखिए, संविधान के अंदर एक सेकंड, संविधान ने जो प्रावधान किया है रिजर्वेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, इसका गुजरात में ठीक से अमल हो रहा है, आप समझ लीजिए। और जहां तक राज्य की योजनाएं बनाने का सवाल है, अभी अगर संवैधानिक प्रावधान है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय करेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको बाध्य है। अमित शाह जी, मैं संतोष भारती हूं, एक अखबार चौथी दुनिया में काम करता हूं। बहुत छोटा सा सवाल है कि क्या आपको पता है कि इस देश में मुसलमानों की संख्या क्या है? नंबर एक, जो भी संख्या आपको पता हो उसके बीच से कितने लोगों को आपने लोकसभा के लिए टिकट दिए हैं? और तीसरा, क्या मुसलमानों के विकास के लिए अगर वो वंचित वर्ग में आते हैं तो कोई योजना भारतीय जनता पार्टी के पास है? मैं आपको भारतीय जनता पार्टी मानकर पूछ रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी नाते ही सवाल जवाब देता हूं। मैं मानता हूं टिकट का सवाल हो या सरकारी योजना का या विकास का सवाल हो, हिंदू या मुसलमान के आधार पर कोई योजना नहीं बननी चाहिए, वंचित के आधार पर योजना बननी चाहिए। उसमें ऐसी भी योजना नहीं बननी चाहिए कि सिर्फ हिंदू वंचित के लिए, वंचित के सुन लीजिए मोहतरमा, मुझे सुन लीजिए आप, हिंदू वंचित के लिए भी कोई योजना नहीं बननी चाहिए, ना मुसलमान वंचित के लिए बननी चाहिए, योजना वंचित के लिए बननी चाहिए और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है। अमित शाह जी, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मैं मिलेनियम पोस्ट अखबार से हूं। आपकी माने तो पिछले 10 सालों से आपको और आपके नेता को केंद्र सरकार ने तरह तरह से प्रताड़ित किया है। सत्ता में आने के बाद क्या इस प्रताड़ना के प्रति कोई द्वेष की नीति होगी आपकी सरकार की? देखिए, हमने एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो वहां कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। गुजरात में आज भी इतनी प्रताड़ना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी कांग्रेसी नेता पर कोई फर्जी मुकदमा नहीं हुआ है। अमित शाह जी, मैं विनोद अग्निहोत्री हूं, अमर उजाला अखबार से हूं। उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, सबको अपने साथ लेने की अपील कर रही है और मोदी जी भी लगातार जो है इस बात को लेकर रहे हैं, तमाम मुस्लिम नेताओं से आप लोग मिल भी रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो उसकी लिस्ट में मुसलमानों का शेयर बिल्कुल नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी महासचिव स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण पद है उस पर मुसलमान नहीं रहते? शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग भी उपाध्यक्ष या प्रवक्ता बना के टाल दिए जाते हैं, ये कौन सी नीति है? कई बार हमारे यहाँ महासचिव मुस्लिम रहे हैं, सिकंदर बख्त जी रहे हैं, और भी हमारे नेता थे मध्य प्रदेश के, वो भी रहे, नहीं महासचिव भी रहे, ऐसा नहीं है भैया। और जहां तक सवाल है मुसलमानों को साथ लेने का, भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेने के लिए अपील करी है। नहीं नहीं, टिकट मतलब ना गुजरात में आप देते हैं, ना उत्तर प्रदेश में आपकी लिस्ट में है, ना लोकसभा की लिस्ट में है, क्या उन पर भरोसा नहीं है, क्या वजह है? नहीं नहीं, भरोसे का सवाल नहीं है, टिकट विनेबिलिटी के आधार पर दिए जाते हैं और मैं मानता हूं कि इस माहौल को अगर मीडिया ठीक कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर गुजरात में मुस्लिम समुदाय की भी इतनी तरक्की हुई है और वो भी इतना खुश है सरकार से, तो वहां तो विनेबिलिटी के आधार पर कैंडिडेट मिल जाने चाहिए थे। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि आप हिंदू मुसलमान के सवाल से आगे निकल जाइए, देश काफी आगे निकल गया है, देश को परफॉर्मेंस चाहिए, आप देश को 3 दशक पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू है मुसलमान है, देश इससे आगे निकल चुका है। किसी को अपने आप मिल जाएगी भाई, आप माहौल ठीक बना दीजिए, मीडिया एक बार माहौल ठीक बना दे। तो अभी तो आप किसी को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए हैं, एक बार मीडिया माहौल ठीक बना दे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैं आरके कपूर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं। मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप यूपी के पोल मैनेजर हैं, तो क्या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो इतना जिसके कारण भारत में ये टॉपिक चल रहा है, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में कोई ऐसा है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को कैसे खत्म किया जाए? पर्टिकुलरली आपके वहां होने पे ये सवाल बहुत उभर के आ रहा है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझ पर आरोप लगा उसी दिन मैंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद में मैं मंत्री भी नहीं बना, मैं विधानसभा का चुनाव भी तब लड़ा
जब मेरी बेल हुई और बेल में कहा देर इज नो प्राइमा फेसे केस अगेंस्ट अमित शाह, और आज तक मुझ पर चार्ज भी फ्रेम नहीं कर पाई है सीबीआई, आज तक चार्ज फ्रेम नहीं कर पाई है। तीन साल केस पेंडिंग होने का क्या मतलब है भैया? फर्जी मुकदमा है, क्यों चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया है? नहीं बहुत, अरे मेरे पास में प्रोसिक्यूशन एजेंसी मेरी नहीं है, मेरे विरोधियों के हाथ में है। अमित शाह जी, मेरा नाम उर्मिलेश है और मैं आपसे दंगा फसाद पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जिसके लिए आप लोगों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति है। मैं आपसे विकास पर सवाल पूछ रहा हूं, जिसका आप लोग इस समय सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आपके गुजरात के 5-6 जिले हैं, डांग, तापी, बनासकांठा, साबरकांठा, नर्मदा, पंचमहल। योजना आयोग, गुजरात सरकार और भारत सरकार तीनों की वेबसाइट मैंने देखी, इंटरनेट पे भी छान मारा और इनमें से 2 जिलों में जाने का मुझे मौका भी मिला है एक जर्नलिस्ट के रूप में। मानव और सामाजिक विकास सूचकांक में ये जो जिले हैं, इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो इसके हिसाब से भारत के 60 सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय विषमता से ग्रस्त ये गुजरात का मॉडल भारत जैसे असमान विकास क्षेत्रीय विषमता ग्रस्त देश का मॉडल नहीं हो सकता विकास का? अगर आप उन जिलों में गए हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो गांव में आपको बिजली मिली या नहीं मिली? वो गांव में आपको साला मिली या नहीं मिली? एक मिनट अब मुझे सुन लीजिए आप। जी, जी। वो गांव में 60 किलोमीटर की इर्द गिर्द में ट्रोमा सेंटर मिला या नहीं मिला? वो गांव में 11 मिनट में पहुंचने वाला 108 की सुविधा मिली या नहीं मिली? वो गांव में जो मानव सूचकांक है उसको भी ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। 60 साल की कांग्रेस लेगेसी ने हमें जो दिया है उससे हम ऊपर उठाने का अब आप इथोपिया से पीछे हैं, सूडान से पीछे हैं। आप मुझे सुन तो लीजिए भैया, मैंने तो आपको नहीं टोका, आप मुझे सुन तो लीजिए। बोलने का मौका मुझे देंगे या आप ही बोल जाएंगे? जो हमें 60 साल की लेगेसी के कारण मिला है उसको हम ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर उठाने के लिए काफी योजनाएं मिली हैं और आप जिन जिलों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं वो जिले ट्राइबल जिले हैं और गुजरात देश में एकमात्र राज्य है जिसको ट्राइबलों के संविधान के अधिकार के हिसाब से बजट की आपूर्ति होती है। मतलब पॉपुलेशन ट्राइबल्स का जितना है इतना उनको आपूर्ति किया जाता है। सर एक छोटा, देखिए डांग में मैं कुछ साल पहले गया था जब एंटी क्रिश्चियन राइट हुआ था वहां, जिसमें आपकी पार्टी के कई बड़े नेता इन्वॉल्व बताए गए थे, आरोप था जिस पर मामला चल रहा है। उस डांग जिले में पूरी सड़क पर पूरा जिला मुख्यालय है, एक होटल उस वक्त नहीं मिला था और आपके नेताओं के सहयोग से मुझे साबुतारा जाना पड़ा था, वहां से 70 किलोमीटर दूर रात विश्राम करने। नहीं, ऐसा जिला कोई नहीं मिलेगा। अरे भैया होटल तो वहां नहीं होते, परमिशन ही नहीं, पूरे यूपी में कोई ऐसा जिला नहीं। अरे परमिशन ही नहीं, डांग पहाड़ पर होटल का परमिशन ही नहीं है वहां पर। वहां होटल बनाने के लिए कुछ जगह तय की हुई है डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वही होटल बन सकता है। और दूसरा, अगर डांग चढ़े तो इतनी ऊंचाई पर सड़कें मिली या नहीं मिली? और जहां तक आप कहते हैं कि माइनॉरिटी को मारा गया, किसको क्या लगा है वहां पर? उसी राइट, उसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। क्रिश्चियनों को आप कहते हैं प्रताड़ित किया, किसको खून भी निकला था क्या? सारे चर्च, क्या आप चर्चा, सारे चर्चा कर रहे? नहीं आप गए तो पूछा क्यों नहीं भाई कौन विक्टिम है? इतनी हवा में बातें चलाई जाए, एक व्यक्ति के सर पर से खून नहीं निकला वहां पर और पूरे देश में आप लोगों ने प्रचार कर दिया। ये 2009 से 2013 के जो लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए घटनाओं के, दंगों के घटनाओं के, उनमें गुजरात पांचवें नंबर पर है। 246 घटनाएं, 6 करोड़ की आबादी, 23 लोगों की जान गई, ये 2009 से 2013 के बीच। ये दंगों के आंकड़े आप नहीं पढ़ रहे हैं, कॉम्युनल इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। अब मुझे सुन लीजिए ना, किसी मुसलमान के हाथ से अगर कोई पैसा छीनने के लिए छीन लेता है और वहां मुसलमान की मौत होती तो उसको भी कॉम्युनल इंसिडेंट गिनते हैं, क्योंकि छीनने वाला हिंदू है और जिनका छीना गया वो मुसलमान है। दंगों की बात नहीं है, ये परिभाषा बदलने की जरूरत है। वो दो व्यक्तियों के बीच का मामला है, कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आप समझ लीजिए छीना वहां जाता है जहां मुसलमान के हाथ में हो, इसका मतलब है मुसलमान के हाथ में गुजरात में कुछ है। जब आपके हिसाब से सांप्रदायिक दंगों की परिभाषा क्या है? जब पूरा मासेकर हो, नरसंहार हो, तभी वो नहीं, सांप्रदायिक दंगों की परिभाषा मैं बताता हूं।
दो संप्रदाय एक मिनट दो संप्रदाय के बीच में धर्म के आधार पर अगर कोई दंगा होता है तो वो सांप्रदायिक दंगा है। एक गाड़ी जा रही है और मुसलमान गाड़ी चला रहे हैं, हिंदू कुचला गए, तो सांप्रदायिक नहीं होता है, वो एक्सीडेंट होता है भैया। मगर हमारी जो डेफिनेशन है इसमें इंक्लूड हो जाता है। अमित जी, आपने कहा 57 सीटें जब मिली थी उसके बाद से बहुत गंगा जमुना में पानी बहा। दरअसल हाल में गंगा जमुना थोड़ा गंदी भी हुई है, कई बार आपने गंगा में कुछ पॉल्यूशन कर दिया, और आप देखें कि जिस तरह रामकृपाल यादव, जगदम्बिका पाल या कांग्रेस के तमाम लोग ला रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल साइंस में मॉगरलाइजेशन कहते हैं, एक दोगली राजनीति कहते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल प्योरिटी खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि ये वोट बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं, जो आपका कहना है कि इससे हमारे वोट्स बढ़ेंगे इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा भैया, नहीं, ये आमतौर पे कहा जाए, अदरवाइज कोई कारण नहीं है, आप कह रहे हैं अदरवाइज कोई कारण नहीं है, इतना जनता समझती है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि दाऊद को आप सपोर्ट करते हैं तो आपके वोट और भी बढ़ सकते हैं, क्या ये कर पाएंगे? जगदम्बिका पाल और दाऊद की आप कंपेरिजन कर रहे हैं? नहीं, आप यही कर रहे हैं भैया, मैं सिर्फ वोट बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अरे पूरा देश हंसेगा भाई, आप अगर आप वोट बढ़ाने के देखिए आइडियोलॉजिकल प्योरिटी छोड़ सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, तमाम अपराधियों को आप ला रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, आप भी कर सकते हैं। जगदम्बिका पाल पर कोई अपराध नहीं है, रामकृपाल यादव पर कोई अपराध नहीं है, और आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदली है। कोई अपनी आइडियोलॉजी में बदल कर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी स्वीकार करना चाहता है तो वो उसका स्वागत है। विनोद जी माइक इधर है, वो ठीक है, मगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदली। अमित जी ट्विटर पर भी लगातार सवाल आ रहे हैं। रंजीत झा जी लिखते हैं कि मिस्टर अमित शाह ये बताइए कि करप्शन का जो आप नारा लेकर चल रहे हैं वो येडियुरप्पा और रामविलास पासवान जैसे लोगों के साथ को साथ लेकर उसको लोगों तक कैसे बताएंगे कि ये हमने क्यों किया? जहां तक येडियुरप्पा जी का सवाल है, उन पर दो मामले बने थे, दोनों मामले हाईकोर्ट ने क्वाश किए, जमानत नहीं क्वाश किए, कि मामले कायदे की अदालत में टिक नहीं सकते इसलिए क्वाश किए। रामविलास पासवान का हमारी पार्टी में नहीं आया, हमारा गठबंधन। सीबीआई वाला मामला अभी भी है, हैं? सीबीआई वाला मामला अभी भी है येडियुरप्पा जी चार्ज किसका क्वाश कर दिया भाई, कहां जी रहे हैं आप? येडियुरप्पा जी का सीबीआई वाला केस क्वाश नहीं हुआ है। कौन सा केस? उन जमीन अलॉट करने का। हाँ, वो ट्रस्ट के जरिए वो ठीक है, मगर उस पर आरोप पत्र भी नहीं हुआ। आरोप पत्र हो जाएगा लेकिन वो केस तो क्वाश नहीं हो जाएगा, तो होने दो ना अभी। और श्री रामलू के लिए तो सुषमा जी विरोध कर रही थी भाई। मेरे पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या होता है, मेरी पार्टी में ऊपर से बॉस कहे इसी तरह से सब सोचे, इस तरह की पार्टी नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी है भैया, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सोच को व्यक्त करने का स्वतंत्रता भी होती है। ये तो ट्विटर पे हुआ था। नहीं तो ट्विटर पे सोच व्यक्त नहीं किया जा सकती क्या? अमित जी, शहजाद पूना वाला बोल रहा हूँ, एक इतिहास और फिलॉसफी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ सवाल है। आप लोगों ने कुछ लोग आपकी पार्टी में ऐसे हैं जिन लोगों ने मोहम्मद गौरी के लेजेंड को अपनाया है कि उन्होंने मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया। आप जहां से अब चुनाव लड़ेंगे मोदी जी, जो बनारस है, वहां पे शायद आपको पता होगा कि 16वीं सदी में बादशाह अकबर ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिरों को बनाने का काम किया। तो क्या आप इस फिलॉसफी में, द्वेष की भावना से नहीं पूछ रहा हूं, जो बादशाह अकबर की जो फिलॉसफी है इंक्लूसिव वाली, और जो वो चेहरा है वो भी आप प्रस्तुत करेंगे कि केवल एक मुस्लिम डिमोनाइजेशन वाला चेहरा ही आपको लगता है प्रस्तुत होना चाहिए? हमने कभी मुस्लिम चेहरे को इस तरह से नहीं प्रस्तुत किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी कोई आजकल से हम राजनीति में नहीं है, 1950 से, और हमारी पॉलिसी सबके सामने, उसी पॉलिसी पर हम चलेंगे। अमित जी, आपको ये मालूम हो गया होगा और मुझे खुशी है, मैं हाउस को बधाई देना चाहता हूँ कि मैं ये कहता आया हूँ कि मुसलमानों की लड़ाई हमारे हिंदू भाई लड़ते हैं। आज जितने सवाल भी आपसे पूछे गए हैं वो सब मुसलमानों के बारे में, वो हमारे हिंदू भाइयों ने पूछे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं मुफ्ती शमून कासमी अन्ना टीम का फाउंडर मेंबर हूँ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अब कि आ एक नया शवाला इस देश में बना ले। सवाल मेरा वही है कि बिछड़ों को फिर मिटा दें
बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दो ही मिटा दे। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अब आप ये समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान 98% गरीब है, 5% जो अमीर है, यानी 95% बच्चे मुसलमानों के हिंदुओं के बनाए हुए स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं और इस हकीकत से मैं वाकिफ हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आप जितना टाइम रह गया है, एमजे अकबर जैसे आपके बीच में लोग आ गए हैं, कुछ मुसलमानों को आप अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे ये दबे कुचले मुसलमान भी मुख्य धारा में जुड़ सके। क्या आप ऐसा कोई काम करेंगे? नहीं नहीं, मैंने कहा हम सब लोगों का स्वागत करें भाई। भारत का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए हम उसका स्वागत करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं हर नागरिक का। और मुसलमान भी इस देश का पासिंदा है, नागरिक है, आइए, आपका सबका स्वागत है। अमित जी, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है, मैं एक वकील हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी शहजाद भाई ने भी पूछा हिंदुत्व के बारे में और वाराणसी को चॉइस के बारे में, तो जो बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद में, तो क्या आपका जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर ये भी कहीं पर ये जजमेंट कहीं पर फॉल करती है कि क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? आपकी पार्टी क्या उस जजमेंट को एक्सेप्ट करती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चेंज करने के लिए आगे बात को उठाएंगे? देखिए, जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, वो मुकदमे का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है, कहा है कि ये या तो बातचीत से सॉल्व हो सकता है या तो अदालत जो निर्णय करेगी उसको हम मानेंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसका जो फैसला आ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को बाध्य है। नहीं नहीं, हमें रेखा जी, सुप्रीम कोर्ट, रेखा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हमें स्वीकार है। अमित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने सवाल जवाब में कहा कि जब मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़ना था तो जोशी जी को कहीं जाना था, तो एक ये चर्चा चल पड़ी है कि मिशन 272 अचीव करने में आप कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो गए हैं और पार्टी के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने नेता हैं, पार्टी का जो कैडर्स हैं, उनको आप ओवरलुक कर रहे हैं। इनफैक्ट यूपी के बारे में भी कहा जाता है कि अमित शाह वहाँ एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और कैडर्स कहीं ना कहीं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने कैंपेन। नहीं नहीं, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है भाई? मैं वहाँ यूपी का प्रभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महासचिव हूँ, मैं जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ वही भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है। पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? वही भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन भाई, और भारतीय जनता पार्टी की वही दिशा है। आदित्य सांगी जी ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात का बीजेपी यूनिट जो है, क्या एक होकर आडवाणी जी के लिए कैंपेन करेगा गांधीनगर में, अभी जो हुआ है उसके बाद? पक्का करेंगे। आडवाणी जी बहुत ज्यादा मेजोरिटी से, बड़ी मार्जिन से हर बार जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। अमित जी, मेरा नाम जयशंकर गुप्ता है, लोकमत में हूं मैं। तो एक सवाल है, आप लोग बार बार गुजरात के विकास की बात करते हैं, गुजरात के विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, मेरे मन में एक सवाल उठता है बार बार कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले गुजरात पिछड़े राज्यों के किस श्रेणी में था, और अब जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं और तीन बार से चला रहे हैं सरकार, अब गुजरात देश के विकसित राज्यों में किस स्थान पर पहुंचा है? देखिए, स्टेटिस्टिक्स के आधार पर मैंने नहीं कहा है, मगर मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब गुजरात के गांव में 24 घंटा बिजली नहीं मिलती थी, आज मिल रही है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के हर गांव में स्कूल और शिक्षक नहीं था, आज है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के हर गांव को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, आज है। गुजरात के हर गांव के बीच में 60 किलोमीटर की रेडियस में एक ट्रोमा सेंटर नहीं था, आज है। इसलिए मैं कहता हूं कि विकास की जहां जरूरत थी वहां विकास पहुंचा है। मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जब गांव में बिजली पहुंचती है तो गांव के गरीब को भी फायदा होता है, रोजगारी पहुंचती है, शिक्षा पहुंचती है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती है वहां पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों के आधार पर काम करने व्यक्ति नहीं हूं, मैं आंकड़े बनाने वाली मशीनरी से निकलने वाला व्यक्ति हूं। आंकड़े आप लोग देखते रहिए, मैं जमीन पर सतह पर क्या है वो देखकर बात करता हूं। जयशंकर जी, माइक इधर है। जयशंकर जी, जयशंकर जी, और अगले सवाल ले रखे। अमित जी, मैं अनिल आनंद हूं, पत्रकार। आपने कई सवालों के जवाब में विजन दिया कि क्या पॉलिसीज किस इशू पे होंगी, सरकार बनाने की कवायद पे भी बात हुई। मैं आपका ध्यान पार्टी की दशा की तरफ ले जाना चाहता हूं। कुछ अरसा पहले आपके सीनियर नेताओं ने एक सर्टिफिकेट दिया था, पार्टी विद अ डिफरेंस, क्या खैर वो तो लुप्त ही हो गया,
जो आज की दशा जो है पार्टी की, जिसमें अंदर के लोगों से ज्यादा विश्वास बाहर से आने वाले लोगों पे किया जा रहा है, क्या ये पार्टी विद द डिफरेंस कुछ दर्शाता है? देखिए, इक्का दुक्का घटनाओं के कारण अंदर के लोगों पर विश्वास नहीं है और बाहर से आने वाले लोग पर ज्यादा विश्वास ऐसा नहीं कह सकते। पार्टी कभी बंद कमरे में नहीं चल सकती, पार्टी सबके लिए खुली है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन जो करता है उन सबका स्वागत है। आपको अगर करनी है तो आपका भी स्वागत है, आप कोई बाहरी नहीं। हिंदुस्तान का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने की पात्रता रखता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी। हमारे यहां जन्म के आधार पर प्रधानमंत्री तय नहीं होते, हमारे यहां जन्म के आधार पर पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते। नीचे से काम करने वाला गरीब बच्चा भी प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बन सकता है, डेढ़ एकड़ जमीन रखने वाला किसान का बेटा राजनाथ सिंह भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ये पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता नीचे से बड़ा होते होते सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, इसलिए यह पार्टी विद अ डिफरेंस वहां गए हैं। और यहां पर गाजियाबाद में भी हमने जनरल वीके सिंह को मैदान में उतारे, ऐसी बात नहीं है। अगर सेफ सीट न होती तो जनरल को वहां से न उतारते हम। सेफ सीट का सवाल नहीं है, पार्टी की रणनीति होती है कि पार्टी के प्रमुख नेता के जाने के कारण उस क्षेत्र में पार्टी को फायदा होता है, उसी रणनीति के आधार पर काम होता है। भाई नहीं, सुषमा जी ने अभी अभी कहा है कि वो दुखी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं मिलूंगा तो पूछ लूंगा उनसे। लेकिन ये कांग्रेस मुक्त भारत में कांग्रेसी तो पूरे रह रहे हैं पार्टी में। नहीं नहीं, हमने देखिए एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत का शब्द देश में कांग्रेस न रहे वो नहीं है। शासन व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, आप शब्द के स्पिरिट को पकड़िए। कांग्रेस पार्टी हमारे सत्ता में आने के बाद भी रहेगी और अच्छे तरीके से रहेगी, इससे कोई डिनाइड नहीं कर सकता। संविधान बदलने की प्रक्रिया बनी हुई है, दो तिहाई बहुमत से बदला जाता है। शेष नारायण जी एक मिनट, माइक यहाँ पर है, हम दूसरे सवाल पर चलते हैं कि इसी तरह के बहुत सारे सवाल हो गए। अगला एक मिनट हम लौटेंगे। अगला आरोप जो लग रहा है या अगला सवाल जो उठ रहा है बार बार, वो है ये, लोकसभा चुनाव से एन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अंबानी अदाणी के बहाने मोदी पर हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल का बड़ा आरोप है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और अदाणी ग्रुप को नरेंद्र मोदी ने खूब फायदा पहुंचाया है। गुजरात को मोदी जी नहीं चला रहे, गुजरात को अंबानी और अदाणी चला रहे हैं। हाल ही में केजरीवाल ने गुजरात का विकास देखने के लिए दौरा भी किया था। केजरीवाल का आरोप है नरेंद्र मोदी की मुकेश अंबानी की कंपनी और अदाणी ग्रुप के साथ सांठगांठ है। मोदी सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों को किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम दी। अंबानी के रिश्तेदार सौरभ पटेल को मंत्री बनाकर उनसे अंबानी को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदाणी ग्रुप की तरफ से बयान जारी करके केजरीवाल के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और गलत बताया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अंबानी और अदाणी को भी चुनाव में मुद्दा बना दिया है। सवाल ये है कि क्या वाकई मोदी ने अंबानी और अदाणी को फायदा पहुंचाया है? शाह साहब, ये मुद्दा बनाया है आम आदमी पार्टी ने चुनाव में, लेकिन उठाया जा रहा है काफी समय से। देखिए, कोई बुनियाद वाली बात करे, कॉन्क्रीट चीजों के आधार पर बात करे, तब तो उसका जवाब दे। अब अंबानी गुजरात चला रहे, अदाणी गुजरात चला है, इस भी चीज का क्या जवाब हो सकता है भैया? अगर इनके पास कॉन्क्रीट प्रमाण है इस चीज के, तो मैं उनको ये विनंती करना चाहता हूं कि देश में अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे खिलाफ कई पीआईएल हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जा सकते हैं और इसका एक बार कानून की अदालत में जाकर सत्यता देख ले, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर चुनाव के भाषणों से मुद्दा बनाना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या ये हकीकत नहीं है कि 7,350 हेक्टेयर का ये मुंद्रा एसईजेड, वो जमीन दी जो दी गई वो एक रुपए के दाम पर दी गई? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, ये मुद्दे हर जगह उठ रहे हैं। फोर्ब्स का अभी का जो, क्योंकि विदेशी मैगजीनों पर आप भी काफी टिप्पणी करते रहते हैं, पार्टी भी, इसलिए कह रहा हूँ, ये जो पूरा आर्टिकल है मेघा बहारी जी का, उसमें पूरे यही तथ्य दिए गए हैं कि किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया।
एक भी जमीन एक रुपये के आधार पर नहीं देगी, एक भी जमीन नहीं देगी इस तरह से। एक रुपये, पहली बात, रिलायंस इंडस्ट्री को कोई जमीन नहीं दी गई गुजरात सरकार की ओर से, सारी जमीन उन्होंने किसानों से परचेज करी है। दूसरी बात, अडानी को जो जमीन दी गई है वो 40-40 फुट पानी में डूबी हुई जगह थी, वो जमीन ही नहीं थी। और तीसरी बात, इस तरह के जितने भी पॉट बने हैं उसके साथ इस जमीन का कंपैरिजन करके तुलनात्मक बात करिए। क्या उनका जो वहां पावर प्लांट लगा हुआ है उसकी वजह से वहां की खेती को नुकसान नहीं हो रहा है? हर जगह पे पावर प्लांट लगेंगे तो खेती का नुकसान होगा ही, देश अंधेरे में रखना चाहते हैं आप? कहीं पर भी ये 5 सितारा होटल बनी है, आपका स्टूडियो बना होगा, वहीं पहले खेती ही होती थी भैया, तो तोड़कर खेती कराओ। यही कंसेप्ट है आपका डेवलपमेंट के बारे में, आप यही सोचते हैं, तो ये सारा तोड़कर खेती कराइए। नहीं, आरोप ये लग रहा है कि वहां जो समुद्र का पानी लेकर सलाइन मोटर से जो बिजली बनाई जा रही है उसकी वो सलाइन जो है वो उसमें जो प्रोटेक्शन लगाना था जमीन में वो नहीं लगा है ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए, और उस वजह से ये आरोप है। इतनी बड़ी चैनल आप चलाते हैं, आज मीडिया को कोई रोक नहीं सकता। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जाकर जमीन पर देख कर आइए और RTI लगाकर सारे दस्तावेज लीजिए, उसको करिए, और बाद में सवाल मुझे नहीं केजरीवाल को पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। एक भरत झाला साहब हैं सोशल एक्टिविस्ट RTI, उन्होंने भी अक्टूबर 2007 वाली RTI में बता रहा हूं, अभी के आंकड़े तो और बढ़ गए होंगे, वो जानकारी जो निकाली 489 किसानों की आत्महत्या के 4 साल में, जूनागढ़ में 85, राजकोट में 62, जामनगर में 50, मेहसाणा में 48, इससे ज्यादा चौंकाने वाली जो आंकड़ा निकला कि एक्सीडेंट में किसान मारे गए 6,055, तो उनका ये सवाल था और वो उन्होंने उस वक्त भी 2007 में भी रिपोर्ट हुआ कि ये एक्सीडेंट में इतने किसान जो मारे गए हैं ये भी असल में किसान बोलना नहीं चाहते कि उनकी मौत किस वजह से हुई है, उनके परिवार बताना नहीं चाहते। देखिए, मेरी और मेरी पत्नी का झगड़ा होता है और दो में से एक आत्महत्या करता है तो कहेंगे एक व्यापारी मर गया। किसान जब मरता है तब उसके घर में अन्न नहीं है, अगर उस पर ऋण चढ़ गया है और उसकी जमीन की हराजी हो रही, मतलब उसको बैंक ले रही है, तब अगर आत्महत्या करता है वो, तो वो किसान की आत्महत्या है। अब एक्सीडेंट में किसान मरता है तो एक्सीडेंट में हर कोई मरता है भाई, जब पंचनामा होता है, जब पेपर्स बनते हैं तो वो कौन था तो लिखा जाता है वो किसान था। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। मिश्रा जी नमस्कार, मैं दिबांग, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में जब बात करते हैं आप विकास की बात करते हैं, मैं अभी वाराणसी घूम कर आया हूं, आप विकास की बात तो करते हैं उसके साथ साथ आप दूसरा खेल भी अपना चलाते हैं। आप सबसे गए पहले गए अयोध्या, आपने कहा कि मंदिर वहीं बनेगा, आज ही देख लीजिए बिजनौर से आपने अपना कैंडिडेट बदल दिया, उस कैंडिडेट को टिकट दिया जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में उसके दागी हैं। आप देख लीजिए जब वाराणसी में लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये काशी से टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि उमा भारती नारा लगा चुकी थी अयोध्या में, और 6 दिसंबर के दिन जब बाबरी मस्जिद गिरी में वहां पर था तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप दरअसल में दो नाव में एक साथ पांव रखकर चल रहे हैं, आप दूसरे नाव के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, एक के बारे में आप बहुत ज्यादा बात करने बहुत बात करते हैं। आप तो कर ही लेते हो, पहुंचा देते हो ना, बात ठीक है, हम तो सारी बात करते हैं पर नहीं, सवाल इस समय मैं जवाब दे देता हूं। दिबांग जी आपकी बात का जवाब देता हूं, जहां तक काशी मथुरा के नारे का सवाल है, मैंने पहले ही कहा है भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा, ना चुनाव में ना अयोध्या आंदोलन में, भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा। और जहां तक काशी का सवाल है तो ये सीट छोड़ दे हम क्या, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा? अरे नरेंद्र मोदी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और क्या है भाई, तो वो सीट छोड़ देंगे? और जोशी जी के लड़ने से काशी की समस्या नहीं रहेगी क्या? किस तरह की बात करें, किस दुनिया में जी रहे आप? नहीं पर आप जब नरेंद्र मोदी दिबांग जी आपके दिमाग पर जो भूत सवार है उसको उतार दीजिए, आपको 10 को पीछे ले जा रहा है ये भूत, 10 को पीछे ले जा रहा है। जोशी जी लड़ेंगे तो काशी का महत्व कम हो जाएगा क्या? कोई प्रमुख नेता नहीं है हमारे तो वो बात नहीं होगी, तो जोशी जी लड़ेंगे, जोशी जी पहले भी लड़े वहां से, तो जोशी जी पहले, मोदी जी पहली बार लड़ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाता है भाई? कितनी क्यों इतनी निर्बल मानसिकता में आप लोग जी रहे हैं, मानसिकता बदलिए भैया, मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसको कैसे, जब आपने केंद्र में यही बात उठी थी तो बीजेपी ने बहुत हल्ला मचाया था, 11 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं गुजरात में? नहीं, एक केंद्र की एक योजना को हमने आगे परिपत्रित किया है
और वो भी गलती है, इसका सुधार हो रहा है, इसका परिमार्जन हो रहा है। अमित जी, बार बार गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है, उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है। 2012 के विधानसभा चुनाव में मैं कच्छ सौराष्ट्र के इलाके में घूमा था, अमरेली, जूनागढ़, ये सारा इलाका जो है भावनगर, वहाँ एक एक हफ्ते पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, और हालत ये थी, महसाणा तक की स्थिति थी कि बहुत ही पोल्यूटेड वाटर था, और वहाँ पर जो है गुजरात में तीन तीन चार चार दिन का पानी, एक एक हफ्ते का पानी स्टोर करके लोग रखते थे। वो स्थिति अभी भी बरकरार है, और आप बिजली तो दे रहे हैं लेकिन पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं, ये कैसा विकास? देखिए, जहाँ तक पानी का सवाल है, कुछ जगहों पर ये स्थिति आपकी सच है, मगर एक जमाना था कि 19,000 गांवों में से 11,000 गांवों में टैंकर से पानी पहुंचता था, वहां से आज हमने पानी पहुंचाने की स्थिति बनाई है। जब नर्मदा के में अंदर पानी कम हो जाता है तो एक डेढ़ महीने का एक पैच आता है, जब नर्मदा का पानी गर्मियों में कम हो जाता है तब ये स्थिति होती है, पूरे साल की ये स्थिति नहीं। अमित जी, मैं संगीत रागी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूँ। एक मेरा छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद से लेकर के और बड़े बड़े नेता, वे सारे इलेक्शन कैंपेन में मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। क्या कारण है कि मोदी जी ने जो इतना बड़ा शहजादा और युवराज कह करके जो एक कैंपेन चलाया था हेरिडिटरी लीडरशिप के खिलाफ, उसको उन्होंने अब आगे की सभाओं में और आगे के जितने भाषण है उसमें सब बंद कर दिया है? नहीं, अभी भी बोलते हैं, आप ध्यान से देखिए, बोलते हैं। मीडिया ने उठाना बंद कर दिया, मेरा तो मीडिया से सवाल। क्या इस वजह से कि आपकी पार्टी में भी शहजादे हो गए? देखिए, शहजादे शब्द का अच्छा हुआ है आपने पूछ लिया भैया, मैं बता दूं आपको, शहजादे से मतलब ये नहीं था किसी का बेटा राजनीति में नहीं आएगा, मगर किसी का बेटा ही है इसलिए पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है ना कभी होगा। एकमात्र योग्यता बेटे होने के कारण देश की इतनी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा ना देश का प्रधानमंत्री बनेगा। शहजादे कहने का अर्थ ये है, शहजादे कहने का अर्थ ये नहीं किसी नेता का बेटा अगर व्यक्तिगत गुण अवगुण के आधार पर अगर परफॉर्म करता है तो वो चुनाव में नहीं आ सकता, ये नहीं है। वो सेक्युलरिज्म का बुरका वाला वो लाइन भी छोड़ दी क्या? सेक्युलरिज्म का बुरका ओढ़ के बैठी है कांग्रेस, ये लाइन भी थी उनकी, वो लाइन भी छोड़ दी अब उन्होंने? देखिए, बोली हुई लाइनें कभी जनता के मनस पटल पर से जाते नहीं है, और आपने याद करा दिया, अच्छा किया। अमित जी अरे एक मिनट, माइक किधर है? मैम माइक किधर है? सवाल यहीं से आ पाएगा। अमित जी, मेरा नाम मनोहर मनोज है, मैं इकोनॉमी इंडिया और राजनीति इंडिया से हूँ। मेरा सवाल, आपने जैसे कई सारे राजनीतिक प्रश्नों के जवाब दिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ही तरह क्या भाजपा ने वंशवाद को नहीं अपना लिया है? और दूसरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी तमाम सभाओं में ये कहते हैं कि मैं हर जगह पहरेदारी करूंगा, और अभी आपने कहा कि शासन व्यवस्था हम बदलेंगे, लेकिन उसका कोई आपने अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट नहीं बताया है। आपके शासन के कॉन्सेप्ट में ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होगा, इस बात को लेकर के आपने कोई नई बात अब तक नहीं कही? भाई, मेरी पार्टी पहली बार शासन में नहीं आ रही, देश के 9 राज्यों में मेरी पार्टी की सरकार है, इस देश पर भी 6 साल मेरी पार्टी की सरकार रही है, हमने हमारा ब्लूप्रिंट बताया हुआ है जनता को, और हमारा घोषणा पत्र के अंदर पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा। अभी जी, मेरा नाम जगदीश चंद्र आर्या है, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार कल्याण न्यूज़पेपर दिल्ली का प्रभारी हूँ। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मोदी सरकार बनती है तो हमारे जो ये भारत है ये विकसित हो पाएगा, और होगा तो कब तक और कितने समय तक? चले भैया, हम तो विकास के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ते हैं, मगर इस बात का कोई समय पत्रक नहीं होता, कोई समय निश्चित। सवाल आपने सब पूछ लिया है, बाकी सब लोग भी हंस रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से राजदान साहब हमारे साथ हैं। करप्शन को लेकर इनके पास कुछ आंकड़े हैं एनडीए सरकार के और करप्शन इंडेक्स के और अभी के। राजदान साहब। आदरणीय अमित जी, मैं पत्रकार नहीं हूं इसलिए आपके सवाल जवाब सर आसान हो जाएंगे। एक तो जो वेल्थ है, जो इलीगली एक्वायर्ड करप्शन इंडेक्स, ये खत्म कर दीजिए, ये जो नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए प्राप्त किया गया है करप्शन के सैलाब के बाद, क्या इस प्रॉपर्टी को, इस वेल्थ को आप जब्त करेंगे जब आपकी हुकूमत आएगी? दूसरी बात ये है, जवाब ले लेते हैं फिर ले लेते हैं सवाल। देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी
ने हमेशा करप्शन को रोकने का ट्राई किया है और हमारी सरकार में एक भी इस तरह का घोटाला बाहर नहीं आया। वही इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना पॉलिसी लेवल पर ना क्रियान्वयन के मामले में करप्शन को तवज्जो देती। मुझे भारतीय नागरिक होने के नाते से थोड़ी शर्म आ रही है आपको बताने के लिए कि दुनिया के लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन ने यह बताया हुआ है कि हमारी करप्शन पिछले 10 साल में थोड़ी कम हो गई, थोड़ी मतलब 70% से 69% हो गई। क्या आप ये कह सकते हैं उनका था 2.9 था हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2005 में, ये 2011 में 3.1 पहुंच गया। 10 इंडेक्स जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। यानी इनका कहना है कि यूपीए की सरकार में बल्कि इंप्रूवमेंट हुआ इंडेक्स में, इनके अलावा देश में कोई नहीं कहेगा। मोदी जी को रोक, बहुत से लोग जो टिकट बांटने में इन्वॉल्व थे वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, और ये बात बीजेपी में चल रही है कि एक ग्रुप है जो चाहता है कि 160-170 सीट से ज्यादा बीजेपी आगे ना बढ़े ताकि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सके। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपका भी सपना है मगर ऐसा होगा नहीं, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 250 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर निकलेगा। अमित जी अफसोस, बहुत सवाल और लेने थे लेकिन वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। आखिर में फिर से पूछना चाहूंगा आपसे, यूपी में कितनी सीट? मैंने पहले भी कहा है मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं मगर मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है उसमें सबसे मजबूत नींव उत्तर प्रदेश से डाली जाएगी। आप कोई बात जो आप कहना चाह रहे हैं और छूट गई हो? नहीं, बस हो गई, काफी बातें हो गई। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी घोषणा पत्र में आने के लिए। आज थे घोषणा पत्र में अमित शाह, अगली बार कोई और चेहरा। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज़।